सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कक्षा 6 विषय हिंदी, आज अपना व्याकरण का पांचवा बिंदु है वाच्य। जो अपने चार बिंदु कर लिए थे, आज पांचवें बिंदु वाच्य पर हम चर्चा करेंगे। वाच्य क्या है, वाच्य के कितने भेद हैं, और वाच्य की परिभाषा और वाच्य के उदाहरण। तो वाच्य की प्रमुखता अपने व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी इनकी अहम भूमिका है। तो देखिए, सबसे पहले वाच्य की परिभाषा। परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो कथन की प्रक्रिया या विधि को वाच्य कहते हैं। कथन कहने का मतलब जो हम कह रहे हैं उसकी जो विधि है, प्रणाली है, उसको वाच्य कहते हैं। और वाच्य का संबंध देखिए कि क्रिया के जिस रूपांतरण से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के तीन प्रकार के विषय, मुख्य विषय, एक तो है कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा क्या है, भाव। इन तीनों का संबंध अलग अलग प्रकार से हो और क्रिया के विधान का मुख्य विषय ये है, क्रिया का इनके साथ में संबंध अलग अलग है, उसको हम वाच्य कहेंगे। वाच्य के भेद, वाच्य के भेद यानी कि प्रकार। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक कृतवाच्य, कृतृवाच्य जिनको कहते हैं। दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो कृतृवाच्य यानी कि कृतवाच्य का हम सबसे पहले परिभाषा के तौर पर उदाहरण देकर के इनको समझेंगे। तो कृतवाच्य जिस कार्य विधान में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं, यानी कि जिसमें कर्ता प्रमुख हो। क्या प्रमुख हो, कर्ता, जिसमें कर्ता प्रमुख हो और उसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वो कृतवाच्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे लड़का फल खाता है, तो लड़का इसमें कर्ता कौन है, लड़का, और क्रिया क्या है, खाना। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया, कर्ता भी पुल्लिंग है और क्रिया भी काम किसकी हो रही है, पुल्लिंग की हो रही है। तो लड़का फल खाता है, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है, तो ये कृतवाच्य है। लड़की फल खाती है तो कर्ता कौन है, लड़की है, और वो क्रिया क्या कर रही है, खाने का, खाती है, तो लड़की स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। तो ये कृतवाच्य का उदाहरण है। जैसे कर्ता के अनुरूप क्रिया यानी कि क्रिया का संबंध कर्ता के साथ, तो इस प्रकार से ये अपना कर्तृवाच्य का उदाहरण है। दूसरा है कर्मवाच्य, जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्म हो, यानी कि वाक्य में जो भी बात कही गई है उसका विषय कर्म होना चाहिए, उसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है, कर्मवाच्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, कपड़ा धोबी से धोया जाता है, तो यहाँ पर कपड़ा कर्ता होकर के लेकिन कर्म क्या है, धोबी है, तो धोबी के द्वारा कपड़ा धोया जाता है, तो कर्म के अनुरूप क्रिया है।
कर्म के अनुरूप क्रिया है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण भाववाच्य, जिस कार्य का विधान में भाव की प्रधानता रहती है, यानी कि भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, एक उदाहरण, रोगी से चला नहीं जाता है, तो रोगी है इसमें कर्ता और चलना है, चला नहीं जाता तो ये उसकी क्रिया, वो उसकी भावना है, भाव के रूप क्रिया हो रही है कि रोगी है वो चल नहीं सकता इसलिए रोगी से चला नहीं जाता, तो इसमें भाव है उसके। उसी प्रकार जैसे मैंने मेरे ऊपर एक उदाहरण दिया है, मुझसे सोया नहीं जाता, तो ये मेरी भावना है कि मुझसे सोया नहीं जाता। तो इस प्रकार ये अपने बच्चे के तीन रूप थे, तीनों की परिभाषाएं, तीनों के उदाहरण अपने देखे। तो आप लोग प्रत्येक परिभाषा पर गौर करके और उसके बाद में उस उदाहरण में ध्यान करिए, तो यह चीज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। तो वाच्य की पूर्ण जानकारी अपने इस बिंदु के अंतर्गत की, उदाहरण, परिभाषा और उनके प्रकारों का रूप हम लोगों ने देखा किया। धन्यवाद।